आत्मा को जगाना होता है, सुप्त अवस्था में जो उनकी आत्मा है उसको जगाना होता है। यही कहना है, क्योंकि ऐसे तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो पैदा होते हैं, सैकड़ों साल जीते हैं, खाते हैं, पिटते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, अश्लीलता असभ्यता का परिचय देते हैं और एक दिन परमपिता परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक पल आपको सुनने के बाद में उनकी आत्मा जागृत होती है और उसी दिन वो संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद मैंने नशा नहीं करना है। और ये संकल्प ही है, कुछ नहीं जीवन के अंदर। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, इन सभी लोगों ने जागरण किया था, जन जागरण किया था। जैसे कि हम हमारे भाई जगत सिंह देवतिया आए रोज कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। क्या करते हैं, डालने का मतलब क्या है, अपने विचारों को उन लोगों के पास तक पहुंचाना। पता नहीं कौन सा विचार कब किसकी जिंदगी को बदल दे, पता है क्या? पता नहीं। आज देखिए, हो सकता है गुस्से में हो सकता है थोड़ी देर के बाद में आपको क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए, मलिन चित्त हो, बच्चों की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, अपने बेटे बेटे के बारे में सोच रहे हो कि मैंने तो ये बनाना है और अभी उसे डांट फटकार क्या रहे, अभी उसने कोई गलती कर दी थी। लेकिन जब आप आए, आपको आत्मा का बोध हुआ, आपने किसी को सुना, तो आपको महसूस हुआ कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो इसको IAS बनाना चाहता हूँ, मैं इसको IPS बनाना चाहता हूँ, मैं इसको प्रोफेसर बनाना चाहता हूँ, तो ये कैसे बनेगा, कैसे कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। आप महाभारत और रामायण देखते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हम बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बनाए कैसे, उसके अंदर तो बचपन से ही आग डाल देते हैं, तेरा चाचा सही नहीं है, तुम्हारी चाची ठीक नहीं है, भाभी ने ये कर दिया, भैया ने ये कर दिया, दादाजी के पास नहीं जाना, पड़ोसी तो डरता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसके अंदर ठोक करके क्या भर देते हैं, ज्वेलसी भर देते हैं, निंदा भर देते हैं, चोरी भर देते हैं, जारी भर देते, झूठ बोलते हैं, हम खुद झूठ बोलते हैं उसके सामने और फिर उसे चाहते हैं कि वो सच बोले। ये संभव नहीं है। यदि हम ड्रग लेते हैं, हम अल्कोहल यूज करते हैं, हम और कोई नशा यूज करते हैं और जाकर के हम किसी आदमी से ये कहें कि भैया ये ठीक बात नहीं है तो मत लिया करो, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी आंखें लाल हो रही है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बोली और भाषा क्या है, हम उसके साथ असभ्यता से बात करेंगे तो क्या वो हमारी इज्जत करेगा। तो परिवर्तन कहाँ से आता है, परिवर्तन स्वतः से आता है, अपनी आत्मा से आता है। जब हम स्वयं बदलते हैं तो दूसरे लोग देख करके हमें बदलना शुरू हो जाते हैं और उदाहरण देते हैं कि देखिए डॉक्टर सिंह साहब को, क्या कभी और कपड़े पहनते हुए देखा है, क्या कभी मार्केट में खाते हुए देखा है, क्या असभ्य और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है, क्या बड़े छोटे का अपमान करते हुए देखा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा सम्मान हमारे हाथ में। कई बार दिखते होंगे आप लोग कि कई ऐसे नशेड़ी होते हैं जो आपे से बाहर होते हैं, आपके सामने कुछ बोल जाते हैं, अनाप शनाप बोल जाते हैं, आपका हाथ उठ जाता है, आप कुछ और शब्दों का प्रयोग कर लेते हो। लेकिन ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान के सामने इस पृथ्वी पर सब कुछ खत्म है। दवाई गोली से भी क्या है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो इलाज है वो यहाँ से है कि उसकी बुद्धि को खोल दीजिए। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम पैदा क्यों हुए हो, तुम्हें करना क्या है, एक दिन मर जाओगे, तुम्हारे लिए कोई रोने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारे पीछे से याद करने वाला भी नहीं होगा। ये बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे पिता, ये रोजाना इसकी वजह से गली में खरेस होता है, सब्जी वाला आता है उससे भी लड़ता है, पड़ोसियों से भी गाली गलौज देता है, कहीं काम करने के लिए नहीं जाता है, कहीं काम करने के लिए जाता है तो उससे भी लड़ करके चला आता है, इससे तो हे प्रभु परमात्मा तुम इसको उठा ले, हम बहुत। लेकिन एक माता पिता सब दुआ करते हैं, हमारे पिताजी को कुछ नहीं हो जाना चाहिए, कितने सज्जन हैं, कितने गौर हैं, कितनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होता। कैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है,
कैसे लोगों की निंदा होती है, कैसे लोगों के बारे में कहते हैं लोग, अरे ये उस नशेड़ी का बच्चा है, अरे देखो इसके बाप ने कैसे